हफ्ते आज का न्यू सेशन। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग विलैन का कॉन्फिगरेशन किस तरीके से करते हैं और हमें किस चीज़ का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा अगर हम लोग विलैन का कॉन्फिगरेशन करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं विलैन का कॉन्फिगरेशन कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक बेसिक स्विच लिया है। ओके, और उसके साथ चार यूज़र पीसी कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो यूज़र पीसी और दो यूज़र पीसी। हालांकि ये चारों यूज़र पीसी एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है। अगर आप मेरा आईपी एड्रेस स्कीमा देख रहे हो नीचे में तो आपको पता चलेगा एक ही नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। सो अगर मैं आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करता हूँ उसके बाद मैं एक दूसरे के साथ पिंग करके देखता हूँ, रीचेबिलिटी करके देखता हूँ, सो डेफिनेटली वो यूज़र पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो गए। सो सबसे पहले हम लोग वो कॉन्फिगरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले पीसी को आईपी एड्रेस किस तरीके से साइन करते हैं, डबल क्लिक किया मैंने, सिंगल क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो डेस्कटॉप का ऑप्शन है, डेस्कटॉप के ऑप्शन में आपको आईपी कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लिया, जैसे मैंने टैब दबाया गेटवे डालने की जरूरत नहीं है, हम लोग वीलैन का बेसिक कॉन्फिगरेशन कर रहे हैं। सेम एज मैं सेकंड यूज़र पे जा रहा हूँ, सेम एज अगेन डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फिगरेशन, यहाँ पे आईपी एड्रेस। अगर आप सेम फर्स्ट वाला आईपी एड्रेस डालोगे तो वो डुप्लीकेट आईपी एड्रेस ले लेगा। तो देखो यहाँ पे हमें एक मैसेज भी आया है, मैसेज क्या बोलता है, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क, सो आप लोग वो आईपी एड्रेस फिर से यूज़ नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग नया वाला आईपी एड्रेस ले रहे हैं। सेम एज यहाँ पे मैंने लैपटॉप लिया है, आप यहाँ पे भी आईपी एड्रेस दे सकते हो। ओके, सेम एज सेम कॉन्फिगरेशन है जो मैं पीसी के ऊपर कॉन्फिगरेशन कर रहा हूँ, सेम लैपटॉप पे ऊपर कर रहा हूँ। और राइट, यहाँ पे मैंने चारों यूज़र पीसी का आईपी एड्रेस कॉन्फिगरेशन कर चुका हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले यूज़र पीसी के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं सारे यूज़र पीसी को कम्युनिकेशन होता है कि नहीं वो चेक करता हूँ, रीचेबिलिटी आती कि नहीं। सो सबसे पहले मैं फर्स्ट यूज़र पीसी से सेकंड वाले यूज़र पीसी को पिंग करता हूँ, सो हो रहा है। उसके बाद मैं थर्ड यूज़र पीसी को पिंग करता हूँ, इसके साथ भी हो रहा है। उसके बाद फोर्थ यूज़र पीसी को पिंग करता हूँ जिसका आईपी एड्रेस 10.10.10.4, तो उसको भी पिंग हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अभी जैसे कि मैं पीसी से चेक कर रहा हूँ तो चार पैकेट जाना चाहिए, लेकिन अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो पैकेट जाने के बाद ब्रेक कर दिया। तो वो किस तरीके से करते हैं, तो आपको कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने से ये वाला जो पिंग का ड्रॉप हो रहा था, पिंग पैकेट जा रहे थे, तो वो ड्रॉप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, हम लोग वहीं पे ब्रेक कर सकते हैं। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं सेशन के बीच बीच में बताते रहूँगा, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप चेक कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक्स बनाए, एक है ब्लू कलर का ब्लॉक और एक है मेरे पास रेड कलर का ब्लॉक। सो जस्ट कंसिडर करते हम लोग, हमारे पास एक स्मॉल कंपनी है, एबीसी नाम की एक स्मॉल कंपनी है। सो एबीसी नाम की कंपनी में दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट का नाम है ब्लू और एक डिपार्टमेंट का नाम है रेड। अभी क्या हो रहा है, ब्लू डिपार्टमेंट रेड डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहा है और रेड डिपार्टमेंट ब्लू डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ रीचेबिलिटी है। ओके, सो अभी कंपनी क्या बोलती है, जो ब्लू डिपार्टमेंट में दो यूजर पीसी है, एक यूजर पीसी और ये सेकंड वाला यूजर पीसी। ओके, हालांकि मेरी हैंड राइटिंग एंड ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। सेम एज रेड के भी पास दो यूजर पीसी, आप यहाँ पे टोपोलॉजी में देख सकते हो। सो ये दोनों यूज़र पीसी और ये दोनों यूज़र पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्विच क्या बोलते हैं, स्विच का काम होता है ब्रॉडकास्ट करने का काम। स्विच बोलेगा मेरे पास जो भी पैकेट आएगा मैं सामने में ब्रॉडकास्ट करने का काम करूँगा। लेकिन इस सिचुएशन में कंपनी को ब्लू जो डिपार्टमेंट है वो रेड डिपार्टमेंट के साथ बात नहीं करेगा और रेड डिपार्टमेंट ब्लू डिपार्टमेंट के साथ बात नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है वीलैन टेक्नोलॉजी। ओके, सो अभी वीलैन टेक्नोलॉजी किस तरीके से कॉन्फिगर करते हैं वो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं स्विच को ओपन करता हूँ, अगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्विचेस है, तो मैंने 2960 सीरीज का स्विच लिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। CLI मोड पे एनेबल सेम कमांड शो वर्जन, यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने स्विच का मॉडल कौन सा यूज़ किया है, 2960। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे शो वीलैन चलाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि वीलैन 1 इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन, और जितने भी स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट्स है
सभी के सभी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट रूप से विलैन वन में कॉन्फ़िगर होते हैं, ओके। और उसके बाद 1002 टू 1005 हम लोग इस विलैन को FDDA एंड टोकन रिंग में बाय डिफॉल्ट तरीके से कॉन्फ़िगर रहता है, तो हम लोग इसके साथ कुछ भी प्ले नहीं कर सकते, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हमारे पास बचे कौन से विलैन, अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो 1 के बाद आता है 2 और 1002 के पहले आता है 1001, मतलब 2 से 1001 के बीच में हम लोग कोई भी विलैन यूज़ कर सकते अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे देखा है कि मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट विलैन क्रिएट कर देता हूँ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नोड बना देता हूँ, विलैन 10 बनाता हूँ डिपार्टमेंट ब्लू के लिए, ओके। और यहाँ पे बनाता था विलैन 20 और डिपार्टमेंट रेड के लिए, ताकि हम दोनों को ये डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ना करे, बात ना कर पाए इसकी वजह से, इसके लिए। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है विलैन 10, उसके बाद मैं नाम दे देता हूँ डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट का नाम है ब्लू, ओके। उसके बाद सेम एज एग्जिट करूँगा, फिर से नेक्स्ट विलैन क्रिएट करूँगा विलैन 20, डिपार्टमेंट का नाम रहेगा रेड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, तभी मैं शो विलैन करके चेक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा मैंने दो डिपार्टमेंट क्रिएट किए विलैन 10 एंड 20, ठीक है। लेकिन अभी भी डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट यूज़र पीसी रेड डिपार्टमेंट के यूज़र पीसी के साथ कम्युनिकेशन करता है कि नहीं। सो रेड डिपार्टमेंट का यूज़र पीसी का आईपी जैसे 10.10.10.3 इसके साथ अभी भी कम्युनिकेशन कर रहा है, और 4 के साथ भी अभी भी कम्युनिकेशन कर रहा है। वो इसलिए कम्युनिकेशन कर रहा है, अभी हम लोगों ने क्या किया है, डिपार्टमेंट तो क्रिएट किए लेकिन जो इंटरफेसेस है हम लोग उस पर्टिकुलर इंटरफेस या तो फिर पर्टिकुलर पोर्ट को हम लोगों ने उस डिपार्टमेंट में असाइन नहीं किया है। तो विलैन जब भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर इंटरफेस पर्टिकुलर पोर्ट को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्फ़िगर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे है इंटरफेस F0/1, अभी यहाँ पे देख सकते हैं पैकेट जैसे में थोड़ा बहुत ये मुझे डिसएडवांटेज लगा, जब तक अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे रहूँगा तो अगर मुझे कुछ इंटरफेस देखना है तो वो पॉसिबल नहीं, तो मैं थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, हालांकि मैं ब्लू डिपार्टमेंट में ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं F0/1, ओके। और ये सेकंड वाला F0/2, ये F0/3 है, और ये है मेरे पास F0/4, ओके। सो F0/1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से मेरे पोर्ट यूज़ किए। तो अभी मैं किस तरीके से कॉन्फ़िगर करूँगा, इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इंटरफेस F0/1, ओके। यहाँ पे इंटरफेस मैंने शॉर्टकट में लिखा है INT F0/1 फास्ट इथरनेट 0/1। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलैन, डिपार्टमेंट कौन सा ये विलैन 10 ब्लू डिपार्टमेंट 10, ओके। जैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया, आप यहाँ पे आके शो विलैन चेक कर सकते हैं, तो शो विलैन में आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। शो विलैन में चेंजेस क्या दिख रहा है, अगर आप ये देखोगे F0/1 ये डिफ़ॉल्ट विलैन में से निकल के ब्लू डिपार्टमेंट में आ गया है, जो कि मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया है। हालांकि कमांड लाइन काफ़ी सिंपल है, 2 लाइन की कमांड लाइन है, लेकिन आपको उसके ऊपर फोकस करना है। सो कमांड लाइन कुछ इस तरीके से, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलैन 10, हम लोग अभी सिंगल बाय सिंगल यूज़र कर रहे हैं। अभी सेकंड पोर्ट को कॉन्फ़िगर करता हूँ, सेम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलैन सेम एज 10, ठीक है। इस तरीके से मैंने दोनों यूज़र को ब्लू डिपार्टमेंट में डाल दिया है। अभी मेरे पास रही बात रेड डिपार्टमेंट में, रेड डिपार्टमेंट में F0/3 एंड 4, तो मुझे उसको रेड डिपार्टमेंट में डालना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ किस तरीके से डाल सकता हूँ, तो मेरे पास कमांड लाइन है, क्योंकि ये रेंज में आई पी एड्रेस है F0/3, 4, 5, 6 एक साथ आते हैं, तो मैं उनको रेंज में डाल सकता हूँ। रेंज अगर मेरे पास F0/1 उसके बाद डायरेक्ट F0/3 है तो मैं रेंज कमांड यूज़ नहीं कर सकता। तो अभी मेरे पास F0/3 एंड 4 है, दोनों रेंज में आते हैं, इसलिए मैं ये कमांड यूज़ कर रहा हूँ फास्ट इथरनेट 0/3, 2, 4।
स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, सॉरी 20, क्योंकि 20 इज अ रेड डिपार्टमेंट। इसके बाद अगर मैं चेक करूँगा, देखो मैंने एक ही कमांड में दोनों इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। तो ये कमांड भी आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। यहाँ पे रेंज वर्ड काफ़ी मायने रखता है, अगर हम लोग रेंज वर्ड नहीं डालते हैं तो वो एरर शो कर सकता है, तो आपको ये समझना है। उसके बाद ये भी चीज़ बहुत मायने करती है, ओके, तो इसके ऊपर ध्यान देना है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो डिफरेंट विलेन, दो डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किए। फर्स्ट डिपार्टमेंट में 2 यूज़र डाले और सेकंड डिपार्टमेंट में मैंने 2 यूज़र डाले, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, फर्स्ट यूज़र दैट्स मीन्स द ब्लू डिपार्टमेंट का फर्स्ट यूज़र के साथ कम्युनिकेशन करने को देखता हूँ, रेड डिपार्टमेंट के फर्स्ट यूज़र के साथ, मतलब 10.10.10.3 के साथ कम्युनिकेशन करने को देखता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रीचेबल नहीं हो रहा है, पिंग नहीं जा रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब वहाँ तक रीचेबिलिटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा ब्लू डिपार्टमेंट एंड रेड डिपार्टमेंट कि इसके अंदर जो भी दो दो यूज़र थे, अभी दोनों यूज़र एक दूसरे के साथ सेपरेट हो गए, एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, ओके। लेकिन अभी मैं फर्स्ट यूज़र से फर्स्ट डिपार्टमेंट की अनदर यूज़र के साथ कम्युनिकेशन करता हूँ, उसका आई पी एड्रेस 2, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये वाले यूज़र पीसी से ये वाले यूज़र पीसी को पिंग करता हूँ, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट है तो पिंग तो होना चाहिए। देखो इसके साथ पिंग हो रहा है, रीचेबिलिटी आ रही है, करेक्ट है। सेम एज अगर मैं यहाँ से भी रेड डिपार्टमेंट के फर्स्ट यूज़र से मैं अगर पिंग करने को देखता हूँ, ओहो मैंने गलत टैब दबा दिया, 10.1.10.10.10.1 को, तो नहीं होगा बिकॉज डिफरेंट विलैन के अंदर है। सो बेसिकली विलैन का कंसेप्ट इतना ही है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, 2 से 3 लाइन का कमांड लेने, आपको ये याद रखना है, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। सो बेसिकली सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्रिएट करने के लिए हम लोग विलैन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। काफ़ी आसान प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो पैकेजेस के ऊपर। सो यहाँ तक हम लोग ये सेशन कम्प्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।